यस 10th क्लास वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट चैप्टर में आज आगे मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट यानी वेस्ट मैनेजमेंट की विधियां तरीके। वेस्ट मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट सीजन्स रीजन्स इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल यूज ऑफ सराउंडिंग लैंड एंड अवेलेबल एरिया। वेस्ट मैनेजमेंट जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन के लिए जिसमें शामिल होता है वेस्ट मटेरियल और उसके आसपास की जो ज़मीन है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग तरीके का होता है। फर्स्ट है लैंडफिल। इन दिस प्रोसेस वेस्ट इज मैनेज्ड इन दिस वे लैंडफिल आर ऑफन मेड इन नॉन यूज माइंस माइनिंग पिट्स एट्सेट्रा। इस प्रोसेस में यानी लैंडफिल में जैसा कि नाम में लैंडफिल यानी ज़मीन को भरना तो इस प्रोसेस में वेस्ट को जो मैनेज किया जाता है कि ज़मीन को भरा जाता है प्राय ऑफन नॉन यूज माइंस है जो बिना यूज मानने वाली माइंस होती हैं खड्डे जो होते हैं यानी माइनिंग पिट्स जो होते हैं उनमें वेस्ट को डाल दिया जाता है। दिस इज़ वेरी क्लीन एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट मेथड। यह एक बहुत ही साफ और तुलनात्मक रूप से एक कम खर्चीला तरीका है ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल वेस्ट को डिस्पोज करने का एंड इन मोस्ट कंट्रीज इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। और ज़्यादातर देशों में एक सामान्य अभ्यास है यानी सामान्य रूप से उपयोग में लेने वाला तरीका है। बट ओल्ड एंड रॉन्ग मेथड ऑफ लैंडफिल कैन हैव रिवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट लाइक वेस्ट फ्लाइज with the air attracts insects produce liquid its extra। लेकिन ये पुराना और गलत तरीका है लैंडफिल वाला इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं जैसे वेस्ट फ्लाइज वेस्ट के ऊपर मक्खियां आ जाती है हवा के साथ में इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं और लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं लिक्विड बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस मिथेन गैस विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन होता है अपघटन होता है तो उसके कारण मिथेन गैस बनती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। दैट प्रोड्यूस बैड ऑडर एंड कैन डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन। उसके कारण बुरी दुर्गंध आती है बैड ऑडर यानी दुर्गंध और वेजिटेशन को नष्ट कर देती है वनस्पति को नष्ट कर देती है। वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड इन ए प्लांट मैनर इन मॉडर्न लैंडफिल। वेस्ट का जो है आजकल आधुनिक लैंडफिल में एक प्लानिंग करके फिर एग्जीक्यूट किया जाता है वेस्ट को निस्तारित किया जाता है। पिट्स आर फील्ड फिल्ड विद सॉइल एंड एल्फिन गैस सिस्टम कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर कलेक्टिंग द लैंडफिल गैस। पिट्स जो है वो सॉइल से ढख दिए जाते हैं और जो लैंडफिल गैस है उसको इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम लगा दिया जाता है लैंडफिल गैस को इकट्ठा करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई कलेक्टिंग दिस गैस। इस गैस को कलेक्ट करने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है यानी बिजली बनाई जाती है वेस्ट की गैस से बिजली भी बनाई जाती है। दूसरा इंसिनरेशन। इन दिस मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर बाय विच वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू हीट गैस स्टीम एंड एश। इस इंसिनरेशन में वेस्ट को नष्ट करने का तरीका क्या होता है कि इसमें वेस्ट को मटेरियल को जलाया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जिससे कि वेस्ट बदल जाता है हीट में गैस में स्टीम में और ऐश में राख में। इंसिनरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन बोथ स्केल। इंसिनरेशन दोनों तरीक़ों से किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय इंडिविजुअल ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज इट ऑन लार्ज स्केल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैसियस वेस्ट। इसमें जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसमें छोटे स्तर पर इसको किया जाता है और बड़े स्तर पर इसका लिक्विड सॉलिड और गैस
वेस्ट को इंसिनरेशन किया जाता है, यानी बर्निंग किया जाता है, जलाया जाता है। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल थेरापेटिक वेस्ट। यह इसकी पहचान जो है एक प्रैक्टिकल मेथड के रूप में हुई है। ये बायोलॉजिकल जो थेरापेटिक वेस्ट होता है इसको नष्ट करने में काम में लिया जाता है। बट बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स इंसिनरेशन वेस्ट एग्जीक्यूशन इज अ कंट्रोवर्शियल मेथड। लेकिन इससे एक पॉल्यूटेंट्स गैसेज बाहर निकलती है जिसके कारण इंसिनरेशन वेस्ट एग्जीक्यूशन जो है वो एक कंट्रोवर्शियल मेथड है। इंसिनरेशन इज मोर प्रिविलेंट इन कंट्रीज लाइक जापान बिकॉज इट रिक्वायर्स ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इंसिनरेशन जो है जापान जैसे देशों में ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसके लिए बहुत छोटी ज़मीन की आवश्यकता होती है। इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज एरियाज लाइक लैंडफिल। इसमें बड़ी जगहों की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि लैंडफिल में होती है। लैंडफिल के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए जबकि इंसिनरेशन के लिए छोटी जगह चाहिए। थर्ड है रिसाइकलिंग मेथड्स। कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इंटू न्यू मटेरियल इज नॉन एज रिसाइकलिंग। वेस्ट मटेरियल को न्यू मटेरियल में बदलना रिसाइकलिंग कहलाता है। बाय विच द वेस्ट मटेरियल इज रिन्यूड, जिसमें वेस्ट मटेरियल को नया बना दिया जाता है। रॉ मटेरियल कैन बी रिमूव्ड एंड रीप्रोसेस्ड और कैलोरी कंटेंट ऑफ वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी। रॉ मटेरियल जो है जिसको रिमूव किया जा सकता है उसको रीप्रोसेस किया जाता है कैलोरिक कंटेंट में वेस्ट के, और फिर इसको उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पॉपुलर मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग रेफर्स टू द एक्सटेंसिव कलेक्शन एंड यूज ऑफ डेली वेस्ट प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें रिसाइकलिंग एक पॉपुलर मीन्स है, यानी प्रसिद्ध है, फेमस है। इसमें वेस्ट को कलेक्ट करके रीयूज़ किया जाता है, डेली वेस्ट प्रोडक्ट को रीयूज़ किया जाता है। ये वो हम 3 R जो पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3 R जो होते हैं। द मोस्ट कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर रिसाइकलिंग आर एल्यूमिनियम ड्रिंक कैंस, स्टील, फूड एंड एरोसोल कैंस, प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेज, मैगजीन्स, प्लास्टिक गुड एक्सेट्रा। इनको हम जो रिसाइकलिंग कर सकते हैं इन सब मटेरियल को। नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज रेजिडुअल फूड, पेपर, वूल एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो घरों से जो कचरा निकलता है, फूड है, पेपर है, वूल है, और इनका यूज हम कंपोस्ट यानी खाद बनाने में, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बनाने में, और ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कार्बनिक खाद बनाने में कर सकते हैं। ऑल्सो बाई दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई प्रोड्यूसिंग गैस। इस प्रोसेस के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, बिजली भी बनाई जा सकती है। फोर्थ है केमिकल रिएक्शन। मैनी वेस्ट मटेरियल कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाई केमिकल एक्शन और दे कैन बी मेड यूजफुल अगेन। बहुत से वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल एक्शन के द्वारा, या फिर उसको वापस यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर रेमिडीज फॉर वेस्ट डिस्पोजल आर फॉलोज। इन सब के अलावा जो हमने पढ़ी है, तो अदर रेमिडीज दूसरे जो तरीके हैं वेस्ट डिस्पोजल के वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड इन डीप ओशियंस बट इट इज़ नेसेसरी टू नोट दैट द ओशियन एनवायरनमेंट इज़ नॉट पोल्यूटेड। वेस्ट जो है डीप ओशियंस में डाल दिया जाता है, गहरे समुद्रों में, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि ओशियन एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं हो, होता है इससे पोल्यूट। फैट कैन बी ऑब्टेंड बाई बेकिंग एनिमल रेजिड्यूज सच एज बोन्स, फीदर्स, ब्लड एक्सेट्रा, विच इन टर्न कैन बी यूज फॉर मेकिंग सोप एंड इट्स प्रोटीन पार्ट कैन बी यूज एज ए कैटल फीड। फैट जो है हमें एनिमल रेजिड्यूज से प्राप्त होता है, जानवरों के उत्पाद से,
जैसे कि बोन्स है, फीदर्स है, ब्लड है, जो कि इनका यूज़ किया जाता है सॉप साबुन बनाने में, और इनकी प्रोटीन जो है वो काम में आ जाती है जानवरों को या पशुओं के खाने में। थर्ड, गार्बेज कैन बी चेंज टू सॉलिड ब्रिक्स बाय एक्सर्टिंग हैवी प्रेशर। कचरा जो है उससे सॉलिड ब्रिक्स बनाई जाती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के बनाया जाता है। द अर्बन सीवेज वाटर शुड बी स्टोर्ड इन ए, यानी शहरी जो गंदा पानी होता है उसको स्टोर किया जा सकता है पिट अवे फ्रॉम द सिटी एंड आफ्टर प्योरिफिकेशन इट कैन बी यूज्ड इन इरिगेशन। और ये जो गंदे पानी है उसको शहर से दूर ले जाकर खड्डे में डालकर इसका शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन किया जाता है, और फिर इसका यूज जो है वो सिंचाई में पानी खेतों में किया जा सकता है। रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड रीयूज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च एट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल। ये वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजेबल जो है उसको रीयूज किया जाता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल पे इसको जांच की जाती है, रिसर्च किया जाता है। फर्दर द डेवलप्ड कंट्रीज शुड प्रोवाइड ऑल द टेक्नोलॉजीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज विच आर हेल्पफुल इन डिस्पोजल और वेस्ट एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो वेस्ट को डिस्पोजल करने में काम आती है, जिससे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे। सिक्स, फॉर सॉल्विंग द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन इट इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ लॉन्ग टाइम मास्टर प्लान फॉर ए रीजन इवन फॉर ईच सिटी सो दैट इट कैन बी रिजॉल्व इन प्लान्ड वे। फॉर सॉल्विंग द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट की जो समस्या बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए, इट इज़ नेसेसरी टू फॉर्म ए लॉन्ग टाइम मास्टर प्लान। इसके लिए हमें एक लंबे समय का मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता होती है। इवन फॉर ईच सिटी सो दैट इट कैन बी रिजॉल्व ए प्लान वे, बल्कि सभी शहरों के लिए, ताकि इनको एक सही तरीके से हल किया जा सके इस प्रॉब्लम को। सेवन, द मोस्ट एसेंशियल इज द इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर ऑफ जनरल सिटीज। ये बहुत ही आवश्यक है, इस तरह का सामान्य सिटीजन्स के द्वारा जो व्यवहार है वो सही होना ज़रूरी है, आवश्यक है। इफ़ ईच ऑफ अस स्टॉप्स टू थ्रो द हाउस होल्ड वेस्ट इन फ्रंट ऑफ ओन और अदर हाउस और ड्रेनेज एंड कलेक्ट एट ए अप्रोप्रिएट प्लेस देन दिस प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। अगर हम में से प्रत्येक जो है घर के कचरों को अपने घर के बाहर या दूसरों के घर के बाहर फेंकना बंद कर दें और ड्रेनेज जो है उसको सही तरीके से इकट्ठा किया जा सके, तो हम इसको ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं वेस्ट को। सिमिलरली म्यूनसिपलिटीज विल हैव टू यूनिशिएट देयर एपैथी एंड ब्रिंग द स्किल्स एंड ड्यूटीफुलनेस इन द वर्क ऑफ द क्लीनिंग स्टाफ। जो हमारी म्यूनसिपलिटीज होती है वो इस कार्य के लिए एक स्टाफ रखती है, सफाई कर्मी रखती है, उनका कर्तव्य होता है इनको साफ रखना। देर इज़ ए नीड ऑफ कलेक्टिव एफर्ट टू अवॉइड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। ये हम सबका मिलाकर कर्तव्य होता है कि हम पर्यावरण के प्रदूषण को वेस्ट मटेरियल से बचा सकें एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट, और इसके विपरीत प्रभाव को भी बचा सकें ऑन आर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। बिकॉज द एनवायरमेंट इज़ ए कॉमन हेरिटेज दैट वी हैव टू कीप सेफ, क्योंकि एनवायरमेंट जो है हम सबका रहने का स्थान है, इसलिए हमें इसको साफ रखना चाहिए।